फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले भारत सहित 128 देशों के नाम एर्दोगान ने किया बड़ा शुक्रिया संदेश। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आइए जानते हैं पूरी खबर। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने जेरूसलम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान के परिणाम पर खुशी जाहिर की है। साथ ही अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को बिना किसी देरी के बदलने की मांग की है। गुरुवार को हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में जेरूसलम विवाद पर संयुक्त राष्ट्र के फैसले की स्पष्ट आकृति की तुर्की ने स्वागत किया। गुरुवार को हुई वोटिंग में जेरूसलम के फैसले पर 100 से अधिक देशों ने समर्थन किया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी ट्वीट कर कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी वोटिंग का स्वागत करते हैं, जहां 100 से अधिक देशों ने फिलिस्तीन का स्वागत किया और ट्रंप के इस फैसले को रद्द करने के लिए भारी मतों से समर्थन दिया है। एर्दोगान ने आगे लिखा है कि हम अपेक्षा करते हैं कि ट्रंप प्रशासन बिना किसी देरी के दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय को रद्द कर दे, जिसकी अवैधता को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। एर्दोगान ने कहा कि मैं अपनी और तुर्की के लोगों की तरफ से मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो फिलिस्तीन और अल कुदस अल शरीफ का समर्थन करते हैं। राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कलीन ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के आवृत्ति कीर्ति के लिए अपनी मंजूरी व्यक्त की। कालीन ने जेरूसलम फिलिस्तीन और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए इस फैसले को ऐतिहासिक कहा और कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस फैसले को सबको फायदा होगा। कुल मिलाकर 128 सदस्यों ने जेरूसलम के पक्ष में मतदान किया। 9 देशों ने मतदान अमेरिका के पक्ष में मतदान किया और 35 अन्य ने मतदान नहीं किया। तुर्की के यूरोपीय संघ के मंत्री ओमर सेलिक ने ट्वीट किया, हालांकि यह गैर बाध्यकारी है, यह बहुत प्रभावी होगा क्योंकि यह खतरे और ब्लैकमेलिंग से वैधता को प्रभावित करता है। उन्होंने यूएन के फैसले को टर्निंग पॉइंट में के परिभाषित किया और कहा कि यह यरूशलेम के लिए एक अच्छा और ऐतिहासिक दिन है। इस दिन वैधता का बचाव करने वाले सभी लोग जीते हैं। फिलिस्तीनियों को उम्मीद है कि जेरूसलम उनकी भावी राजधानी होगी। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।